तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक हैक। और हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम NDFA से DFA में कन्वर्जन करते हैं। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई, हमारे पास जो टपल सिस्टम है वो DFA और NDFA का ऑलमोस्ट सेम होता है, सिवाय ट्रांजिशन फंक्शन के। और ट्रांजिशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो DFA में जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो हमारा होता है क्यू इंटू सिग्मा इंटू क्यू, जबकि NDFA में ट्रांजिशन फंक्शन होता है हमारा Q इंटू सिग्मा इंटू टू रेस्ट पावर Q, जो कि पावर सेट में जाता है। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये है NDFA टू DFA कन्वर्जन, यानी कि हमें अगर कोई नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है तो कैसे हम उसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं, वही हम आज की क्लास में करने वाले हैं। स्टेप से हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, जिससे कि हम इसे कर पाएँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ स्टेप्स बना रखे जिनके थ्रू मैं इसे परफॉर्म करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। जो हमारा स्टेप है, स्टेप वन में हमें क्या करना है, स्टेप वन में हमें इन सबको ऐसे डिफाइन कर देना है, सेग्रीगेट कर लेना है। स्टेप टू में हमें क्या करना है कि जो टेबल हमें गिवन है हमें उसे फिर से रीड्रॉ करना है। तो ये हमारी टेबल को हम रीड्रॉ करते हैं। ये हमारा स्टेट और सिग्मा, ये हमारा ज़ीरो, ये हमारा वन। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली जो लाइन लिखी है, इस लाइन को आपको एज इट इज़ लिख देना है। तो हम सबसे पहले इस लाइन को एज इट इज़ लिख देते हैं, क्यू नॉट क्यू नॉट एंड क्यू वन। साथ के साथ यहाँ पर आपको जब DFA में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरह के ब्रैकेट्स भी लगाने हैं। हर स्टेट के आगे आपके ये ब्रैकेट्स होने चाहिए। ये बताते हैं कि भाई, हमने स्टेट्स को कंबाइन करके या यूनाइट करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ देखें तो हमें समझ में आ गया कि भाई क्यू नॉट का ट्रांजिशन मिल गया है। अब हमें क्या करना है स्टेप टू में, स्टेप टू में हमें ये जो अंदर की स्टेट्स हैं इनमें से जो नई स्टेट है उसके लिए ट्रांजिशन लिखना है। तो हमारी जो स्टेप अगली है, स्टेप थ्री, ये बोलती है कि राइट द ट्रांजिशन फॉर न्यू स्टेट। तो अभी तक हम अगर चेक करें तो हमारे पास अंदर दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट है क्यू नॉट और दूसरी स्टेट है क्यू वन। क्यू नॉट के लिए हमारे पास ट्रांजिशन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, क्यू वन हमारे पास नया है तो हमें अब ट्रांजिशन लिखना है क्यू वन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब क्यू वन के लिए ट्रांजिशन लिख रहे हैं, तो मैं क्यू वन यहाँ लिखूँगा। और क्यू वन के लिए ट्रांजिशन कैसे लिखे जाएंगे, उसके लिए हम पुरानी वाली टेबल यूज़ करेंगे। तो क्यू वन ज़ीरो पर कहाँ जाता है, क्यू वन पर। तो हम लिखेंगे क्यू वन ज़ीरो पर क्यू वन पर जाता है, और क्यू वन वन पर कहाँ जाता है, क्यू नॉट क्यू वन पर। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको इसको लिख देना है और ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। अब जो नई स्टेट मेरे पास जनरेट हो रही है फिर से, इसके लिए मैं ट्रांजिशन लिख चुका हूँ, इसके लिए मैं ट्रांजिशन लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर नई स्टेट जनरेट हुई है क्यू नॉट क्यू वन, तो हम रिपीट करेंगे स्टेप नंबर थ्री को और हम ट्रांजिशन लिखेंगे क्यू नॉट क्यू वन के लिए। यहाँ पर क्यू नॉट क्यू वन अब दो अलग स्टेट नहीं है, क्योंकि आपने ब्रैकेट में डाला हुआ है, इसलिए वो आपके लिए एक ही स्टेट तरह काम कर रही हैं। अब इसके लिए ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो स्टेट हैं क्यू नॉट क्यू वन जो एक में यूनाइट हो गई हैं, तो हम दोनों के इंडिविजुअल ट्रांजिशन ऊपर वाली टेबल से देखेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो Q0 ज़ीरो पर कहाँ जाता है, तो Q0 का ज़ीरो पर कहाँ जाता है, ये जाता है Q0 पर, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा Q0। अब मुझे अगले स्टेट है यहाँ पर जो है वो है Q1, इस Q1 के लिए लिखना है। तो Q1 ज़ीरो पर कहाँ जाता है, Q1 पर, तो मैं यहाँ लिखूँगा कुछ इस तरह से। आप समझे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले Q0 जो स्टेट थी उसके लिए लिखा, तो मैंने Q0 को ज़ीरो पर लिखना था तो मैं पुरानी टेबल में गया, Q0 ज़ीरो पर कहाँ जाता है वो लिखा। इसके साथ कंबाइन स्टेट Q1 थी तो मैंने Q1 ज़ीरो पर कहाँ जाता है वो भी देखा और उसको भी लिखा। तो इस तरह से कंबाइंड आएगा। अगेन आई एम चेकिंग फॉर Q0 फॉर वन एंड Q1 फॉर वन, तो Q0 वन पर जाता है Q1 में, तो मैंने लिखा स्टेट का नाम होगा Q1। और Q1 वन पर जाता है Q0 Q1 में, तो ये बना Q0 Q1 एंड Q1। अब क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर Q1 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। हम रिपीटेशन नहीं लाते हैं तो इसे हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब हम देखें तो हमारे पास ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है जिसके ट्रांजिशन हमने यहाँ नहीं लिखे हों। यहाँ पर हमारे पास Q0 Q1 और Q0 Q1 करके तीन स्टेट आई थी, तीनों के ट्रांजिशन यहाँ लिख दिए गए हैं। क्योंकि तीनों के ट्रांजिशन यहाँ लिखे हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास सारी स्टेट्स कवर हो गई हैं। अब जब सारी स्टेट हमारे पास कवर हो गई हैं तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा ये बता देना है कि भाई हमारे पास अब जो स्टेट्स हैं वो सारी यूनिक हैं या नहीं, चेक कर लेते हैं।
तो देखिए अगर हम यहाँ देखें क्यू नॉट जीरो पर कहाँ जाता है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि वो क्यू नॉट पर जाता है। क्यू नॉट वन पर कहाँ जाता है, क्यू वन पर ही जाता है। क्यू वन जीरो पर कहाँ जाता है, क्यू वन पर जाता है। क्यू वन वन पर कहाँ जाता है, क्यू नॉट क्यू वन पर जाता है। अब ये क्यू नॉट क्यू वन का मतलब ये दो स्टेट नहीं है, ये सिंगल स्टेट है। अगर इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये क्यू नॉट स्टेट हो गई, ये आपकी एक क्यू वन स्टेट हो गई और ये आपकी क्यू नॉट क्यू वन स्टेट हो गई। तो ये तीनों एक स्टेट हैं। अब ये इस तरह से, यानी कि अब क्यू नॉट क्यू वन जो कम्बाइंड है ये भी एक स्टेट तरह बिहेव कर रहा है। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं क्यू नॉट जीरो पर क्यू नॉट पर जाता है, तो हमने बोला जीरो पर जाता है। वन पर क्यू वन पर जाता है, क्यू वन हमारा जीरो पर क्यू वन पर जाता है, तो ये हमारा जीरो पर क्यू वन पर आता है और वन पर ये यहाँ जाता है। और क्यू नॉट क्यू वन हमारा जीरो और वन पर सेल्फ लूप लेता है। अब डायग्राम देख करके आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ नहीं है। आप किसी भी स्टेट पर खड़े होकर के इनपुट के बारे में बात कीजिए, वो वहीं पर शो होगा और अल्टीमेटली हम उस इनपुट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ जाने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इसको आराम से बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इनिशियल स्टेट होगी वो हमारी क्यू नॉट ही रह जाएगी, क्योंकि वही बनी हुई थी हमारी। और जो हमारी फाइनल स्टेट्स होंगी वो हमारी वो होंगी जहाँ पर फाइनल स्टेट का कॉम्बिनेशन बना है। तो यहाँ पर हमारी जो फाइनल स्टेट के कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास क्यू नॉट एंड क्यू नॉट क्यू वन। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। यहाँ पर फिर से हमें ये जो दिया हुआ है इसमें हमें फिर से टप्पल सिस्टम दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया हुआ है कि किसकी डेफिनेशन क्या है। तो इस केस में अगर हमें टप्पल सिस्टम याद है तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा इसे समझना। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम में ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है, वेयर एम इक्वल टू क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू ए एन बी डेल्टा क्यू नॉट एंड क्यू टू। तो टप्पल सिस्टम को अगर हम पढ़ें तो हम समझ में आता है कि ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा सिग्मा हो गया, ये हमारा डेल्टा, ये इनिशियल स्टेट और ये हमारी फाइनल स्टेट। इसी को जब हम वापस से अगर सॉल्व करने बैठे हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आप देखिए। बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप वन फॉलो करना है। स्टेप वन में हमें क्या करना है, क्यू क्या है हमारा, क्यू की वैल्यू हमारी क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू टू। स्टेप वन में हमने यही किया था, डेफिनेशन लिखी थी। सिग्मा की वैल्यू है हमारी ए एन बी, अगर हम इसे ए एन बी पे कर रहे हैं तो मैंने यहाँ जीरो और वन लिखा हुआ था, जीरो वन भी हो जाएगी हिसाब से। डेल्टा हमारा टेबल में डिफाइंड है। क्यू इनिशियल जो है वो हमारा है यहाँ पर क्यू नॉट, ये हमारा क्यू इनिशियल है। और जो फाइनल स्टेट है वो हमारी क्यू टू से डिफाइंड है, तो क्यू फाइनल की वैल्यू हो गई क्यू टू। स्टेप टू की बात करते हैं। जैसा कि हमने स्टेप टू में कहा था कि फर्स्ट जो भी रो लिखी हुई है इसको एज इट इज़ नोट कर लो, तो हमने क्यू नॉट लिखा, यहाँ क्यू नॉट क्यू वन लिखा और क्यू टू लिखा। इनपुट्स हमारे ए और बी पर आ गए, जैसा मैंने कहा था इसको ब्रैकेट से हमें पैक कर देना है। ये हमारा स्टेट हो गया इनिशियल स्टेट से हमने शुरू किया। अब हमें क्या करना है कि हर नई स्टेट के लिए ट्रांजिशन लिखना है। तो क्यू नॉट क्यू वन के लिए ट्रांजिशन लिखते हैं और क्यू टू लिखते हैं। तो पहले क्यू टू के लिए ले लेते हैं। तो हमने क्यू टू के लिए ट्रांजिशन लिखना शुरू किया, क्यू टू के लिए ट्रांजिशन लिखा। तो क्यू टू का ए पर हम देखें यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ ब्लैंक छोड़ रहे हैं। और बी पर इसका जो ट्रांजिशन है वो है क्यू नॉट एंड क्यू वन। ये मैंने कहाँ देखा, मैंने इस टेबल से देख करके यहाँ लिखा। नाउ अगला जो स्टेट नया आता है वो स्टेट है हमारे पास क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू नॉट क्यू वन। तो हम क्यू नॉट क्यू वन के लिए लिखते हैं। तो हमने क्यू नॉट क्यू वन के लिए लिखना शुरू किया। क्यू नॉट क्यू वन में पहले क्यू नॉट का ए पर देखा तो वो निकला क्यू नॉट क्यू वन, और क्यू वन का ए पर देखा तो क्यू नॉट निकला। दो बार क्यू नॉट नहीं लिखते हैं जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में कहा था, इसलिए हमने सिर्फ एक बार लिखा। आगे बी पर देखते हैं, क्यू नॉट का बी पर जो है वो है क्यू टू और क्यू वन का बी पर है क्यू वन। तो ये स्टेट बनती है क्यू वन क्यू टू। वापस चेक करते कोई नई स्टेट आई क्या, इसका ट्रांजिशन हो गया है, इसका हो गया है, इसका हो गया है, इसका हो गया है, ये नई स्टेट आ गई। तो अब इसके लिए लिखते हैं क्यू वन एंड क्यू टू, ट्रांजिशन लिखते हैं। टेबल देख के लिखेंगे, क्यू वन का ए पर क्या है, क्यू वन का ए पर है क्यू नॉट और क्यू टू का ए पर कुछ भी नहीं है, खाली है। देखिए टेबल में खाली है, क्यू टू का ए पर खाली है, तो हमने खाली छोड़ दिया। और सेम क्यू नॉट का जो बी पर है, क्यू वन का बी पर है क्यू वन और क्यू टू का बी पर है क्यू नॉट क्यू वन, यानी कि हमारी अल्टीमेट स्टेट क्या बनेगी, क्यू नॉट एंड क्यू वन। तो ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया।
तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमारे पास किसी एक इनपुट पर किसी एक स्टेट से मल्टीपल वेज हैं? तो हम चेक करते हैं, क्यू नॉट ए पर सिर्फ एक ही स्टेट पर जा रहा है, बी पर सिर्फ एक ही स्टेट पर जा रहा है, क्यू टू एक ही स्टेट पर जा रहा है, जा ही नहीं रहा कहीं भी, तो खाली है। इसको हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, बी पर ये यहाँ जा रहा है। आपको और ज़्यादा डाउट हो तो आप डायग्राम बनाएं और इसको इंश्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था NDFA टू DFA कन्वर्जन। अब मैं आपके लिए भी एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो मान के चलिए कि आप NDFA टू DFA कन्वर्जन सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, इस क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि m इक्वल टू क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ठीक है। साथ के साथ अगला है 0,1, इसमें है डेल्टा और फिर क्यू नॉट एंड देन क्यू थ्री। ये हमारे को उसने एक मशीन गिवन है, इस मशीन में जो डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, स्टेट या सिग्मा, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, ट्रांजिशन को जिस तरह से डिफाइंड है। देखिए हमारा क्यू नॉट क्यू वन, ये है मेरा क्यू नॉट, ये क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री क्यू थ्री और ये है क्यू टू, ये वाला मेरा खाली है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस NDFA टू DFA। तो दोस्तों ये आप होमवर्क है, आप करके लाइए, कल हम इसको सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़िए और अच्छे से स्कोर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।